एसएससी स्कैम में गिरफ्तार पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी को 31 अगस्त तक जेल में ही रहना होगा। दरअसल गुरुवार को हाईकोर्ट ने उनकी कस्टडी 14 दिन और बढ़ा दी है। 70 साल के पार्थ चटर्जी को 23 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था, यानी बीते 27 दिनों से वो पुलिस की हिरासत में हैं। एसएससी स्कैम मामले को लेकर ईडी ने गुरुवार को कोर्ट में बताया कि 23 जुलाई को रजिस्टर किए गए केस के सिलसिले में पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी से जुड़े तमाम प्राइमिसेस पर सर्च की गई, जिसमें अर्पिता के नाम से कई अचल संपत्तियों की जानकारी मिली। साथ ही उनके फ्लैट से 21 करोड़ 90 लाख रुपए बरामद हुए। रिश्वत लेकर 9वीं और 12वीं क्लास में गैर कानूनी तरीके से टीचर्स की रिक्रूटमेंट होने के प्रमाण भी मिले हैं। यहाँ तक कि प्राइमरी टीचर्स की रिक्रूटमेंट में भी मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत मिले हैं। दोनों से पूछताछ के आधार पर 27 जुलाई को दोबारा इनके प्राइमिसेस पर छापा मारा गया। इसमें अर्पिता मुखर्जी के फ्लैट से 27 करोड़ 90 लाख रुपए बरामद हुए, साथ ही 4 करोड़ 31 लाख रुपए का सोना बरामद हुआ। कई ऐसे डॉक्यूमेंट्स भी बरामद हुए हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग की ओर इशारा करते हैं। यहाँ तक कि अर्पिता के नाम से 31 LIC पॉलिसी मिली है। इनके नॉमिनी में पार्थ चटर्जी का नाम है। 60 से ज्यादा ऐसे बैंक अकाउंट मिले हैं जिसमें करोड़ों रुपए क्रेडिट किए गए हैं। ये रुपए फर्जी कंपनियां बनाकर ट्रांसफर किए गए हैं। यह कंपनियां सिर्फ कागजों में हैं, जमीन पर नहीं। इसके अलावा दोनों के नाम से एक पार्टनरशिप डीड मिली है जो 1 नवंबर 2012 की है। ट्रस्ट के जरिए भी क्राइम किया गया है। इस मामले में फिलहाल अभी जांच जारी है। पार्थ और अर्पिता के पास से बरामद हुए 50 करोड़ रुपए और ज्वेलरी को RBI के खजाने में जमा कर दिया गया है। यदि आरोप गलत साबित होते हैं तो ये रकम इन्हें लौटा दी जाएगी, लेकिन सही साबित हुए तो दोनों को 7 साल तक की जेल भी हो सकती है। क्योंकि सच करीब से दिखता है।